आलू की जो एक निकाई और गुड़ाई है, इसको करते वक्त गुड़ाई करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ से मिट्टी इतना काट दें कि जो जो आलू की जड़ है उसमें पूरा थोड़ा सा हवा तक आराम से पहुंचे। और लाइव में बताता हूँ आप कैसे बोलेंगे। देखिए ऐसे नहीं, देखिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमारे कैसे गुड़ाई करना चाहिए आलू के खेत में। जैसे मेड़ी आपकी ये है जी, तो आप एक कुदार ये मारिए, एक बीच मारिए, एक यहाँ मारिए, अच्छा ऐसे तीन लेके चलिए, तो आपकी बिना कहे मेड़ी जो है आराम से पूरा खरपतवार उसमें दब जाएगा जी। और ये पूरी मिट्टी जो है आलू तक पहुँच रही है नीचे तक जी। और ये देखिए पूरा जो हमारा एरेशन होता है यहाँ तक पहुँच जाएगा आराम से जी। इसमें कोई भी कहीं से मिट्टी में हवा ऐसा नहीं लगेगा इस आलू में जी। गुड़ाई इतना होना चाहिए। अच्छा, ऐसी गुड़ाई करने से हवा का आवागमन अच्छा होता है, अच्छा आलू होता है। जी। जब ये आप गुड़ाई करते हैं तो बहुत हमको ध्यान देना होता है कि मिट्टी जो मेरी मेड़ी है ये चाहे जितनी मोटी हो इसे गोड़ के इतना पतला हो केवल आपकी आलू खड़ी हो। अच्छा, और फिर मिट्टी जब चढ़ाएंगे तो आप ऐसे चढ़ाएंगे, अपने कुदार यहाँ बीच में रखेंगे जी, दोनों तरफ ले जाएंगे ऐसे, इस चीज को करेंगे आप। अच्छा, ऐसे करेंगे तो मेरी मिट्टी की ये मेड़ी मेरी मोटी हो जाती है। अच्छा, फिर आप उसी दशा में आ जाते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल इस प्रकार से कुदाल चलेगी, कुदाल बीचों बीच चलेगी ये देखिए। अच्छा, कुदाल ऐसा करके। अच्छा, सिंचाई के लिए सिंचाई वो उसका चैनल भी बनता जाता है। और आपका जो ये निचला सिरा होता है ये नीचे रहेगा हमेशा, ऐसे कुदाल उठेगी नहीं, ऐसे चलेगी लगातार। अच्छा, ऐसे जी जी इस प्रकार से आप करेंगे जी, तो हमारी आलू की जो मेड़ी है बहुत अच्छी बनेगी और आलू की जो पड़ेगी इसमें ट्यूबर बनेगा, बढ़िया बनेगा ये जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।